कुलप्रीत फरीद आई एम कृपया आप किनारे गाड़ी को दबाएं कि कुछ ही देर बाद माननीय वन मंत्री बातचीत करते हुए सारे यूपी के खिलाड़ी देखना होगा क्या मैच बनेगा यहाँ से इनके लिए। बातचीत गुरु भाई समझाते हुए लो जी सेमीफाइनल टू स्टार्ट होता हुआ बहुत बड़ा मैच, एक तरफ यूपी के बहुत बड़े बड़े असले, दूसरी तरफ उत्तराखंड की एक दूसरी टीम, नए प्लेयरों से भरी हुई टीम। पहली गेंद गोलू गाजियाबाद फेस करेंगे शिबू रुड़की की भाई, और अच्छी गेंद डीप होती हुई और पीछे जाती हुई देव के पास और डॉट बॉल भाई यहाँ। दूसरी गेंद शिबू की डायरेक्ट बॉल मार दी लेग साइड में, वहां पर फील्डर सन्नू मौजूद उनके पास जाती हुई और केवल एक रन आता हुआ। अब बल्लेबाजी पे आएंगे गौरव आरटीओ फ्रॉम अलीगढ़, आरटीओ पहली गेंद बल्लेबाजी पे फेस करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट बॉल हल्के हाथों से खेलते हुए बॉल यहाँ पे रमा करना चाहते हैं और विकेट को परखना चाहते हैं शिबू गोलू गाजियाबाद आमने सामने बहुत बड़े बड़े प्लेयर और यल के हाथों से खेलते हुए शिबू की अच्छी गेंद डॉट बॉल आती हुई रजा मुरादाबाद लोकेश चाइना सिप्पी बंसल और भी बहुत बड़े नाम दूसरी टीम को ज्वाइन करते हुए और इस टीम में देव हरिद्वार सिमी सरसावा शिबू रुड़की यस देहरादून चन्नू देहरादून अंकित टोला और भी बहुत सारे नाम और अगली गेंद डायरेक्ट बॉल उठा दी वहां फील्डर के यस के हाथ में गोलू गाजियाबाद शिबू रुड़की ने फंसा लिया भाई, तगड़ी गेंद डिप कराई थी और शानदार सफलता दिलाई थी सिप्पी बंसल बल्लेबाजी पे और शिबू की अगली गेंद और लीव करते हुए इस गेंद को अच्छी की देव की ओवर की समाप्ति होती है। एक ओवर तीन रन अगला ओवर लेके देहरादून एक्सप्रेस सन्नू सामने आरटीओ मौजूद और अच्छी गेंद डिफेंसिव बोर्ड में खेला और डॉट बॉल आती थी पहली गेंद करी थी सन्नू ने वाइट और दूसरी गेंद पे अच्छी वापसी। अगली गेंद यहाँ पर फिर से सन्नू की और छोटी गेंद को कर दिया लेफ्ट साइड प्रहार और अखिल के हाथ में कैच होता हुआ सामने देखना होगा क्या होगा इस गेंद पे और अच्छी गेंद सन्नू की और डॉट बॉल आती है भाई। अगली गेंद सिप्पी सामने शन्नू और ये फिर से मारने की कोशिश अच्छी कटर गेंद डॉट बॉल आती हुई ओवर की समाप्ति। एक और अच्छा ओवर कटता हुआ यहाँ पर रुड़की देहरादून की टीम के दो ओवर पांच रन अगला ओवर लेके शिबू फिर से पहले ओवर में तीन आए थे दूसरे में आए थे केवल दो और अच्छी गेंद और सिंगल जुराते हुए यहाँ पॉइंट पे फील्डर मौजूद भज्जी उनके पास जाती हुई और केवल एक रन आता हुआ। सिप्पी फ्रॉम अलीगढ़ अच्छे बल्लेबाज है पर बड़े नाम के हिसाब से काम करके दिखाने होंगे सामने रुड़की वाला असला शिबू गेंद बाजी पे और इस बार फिर खड़ी करा दी भाई फिर खड़ी करा दी सिम्मी सरसावा छोड़ते नहीं है पर दूर इस बार और टाइम लगाते ओहो दूर रह गए इंजर्ड ना हो यहाँ पर सिम्मी सरसावा। अगली गेंद सिब्बू मोगली और रिवर्स की रिवर्स का तगड़ा छे जंगलों में पहुंचाते हुए रन छे पहला लगाते हुए यहाँ पर मोगली फ्रॉम बुलंदशहर। अगली गेंद अच्छा शॉट लगाया था यहाँ पे मोगली ने और अच्छी गेंद पर गेंद वहां पे सिब्बू की और एक रन आता हुआ इसके हाथ में जाती हुई सिब्बू सिप्पी आमने सामने और हेलीकॉप्टर मारने की कोशिश और अच्छी फील्ड वहां पे देव की और यहाँ अपील पर देखना होगा एम्पायर का चारा क्या होता है। सिब्बू सिप्पी फिर से आमने सामने बचे पिछली गेंद पे सिप्पी डायरेक्ट बॉल और कवर्स की शॉट वहां पर फील्डर टोला मौजूद एक रन आता हुआ केवल सन्नू निकला चौथा ओवर लेके सामने सिप्पी बंसल और शॉट मारने की कोशिश वहां पर शिबू आते हुए और मिलेगा एक रन और सन्नू के सामने इस बार मोगली रिवर्स की शॉट दी और वहां पर फील्डर यश और अच्छी फील्ड उनकी और एक रन आता हुआ केवल। सन्नू की अगली गेंद सिप्पी सामने देखना होगा और ये शॉट भाई ये शॉट तगड़ा है और ये जंगलों में भाई रन छे है भाई। अगली गेंद फिर से सन्नू सिप्पी आमने सामने और ये अच्छी गेंद कट करने की कोशिश पीछे की तरफ जाती हुई और वहां पर आते हुए फील्डर और ए दो रन लेने की कोशिश और दो रन भी आते हुए भाई यहां पे फिर से आमना सामना
अभी भी राजा मुरादाबाद लोकेश सैनी डगआउट में और अच्छी गेंद जन्नू की फिर से एक बार और वहां पर फील्डर आते हुए और मिलेगा एक रन। अच्छी फील्डिंग, अगली गेंद सामने मोगली जन्नू के और यहां पे 150 रन कम से कम बनाने होंगे। हेलीकॉप्टर शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट, रन छे भाई, तगड़ा छे यहां पर मोगली के बल्ले से भाई। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर 32 रन, अगला ओवर लेकिन नवीन हरिद्वार, सामने सिंपी पंसल और ये अच्छी शॉट वहां पे जन्नू मौजूद और केवल एक रन आता हुआ। अगली गेंद, नवीन फिर से तैयार है गेंदबाजी के बाहर के लिए। अगली गेंद और ये देखना होगा और अच्छी गेंद, डॉट बॉल आती नवीन की फिर से अगली गेंद और मोगली तैयार करेंगे वार, सामने मौजूद है यहाँ पे सिमी सरसावा और एक रन आता हुआ केवल। नवीन सिप्पी फिर से तैयार है और करते हुए वार हैं पीछे की दिशा में, रन छे तैयार है भाई यहाँ पे। अच्छा शॉट सिपी बंसल के बल्ले से, एक और आता हुआ भाई, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अब दोनों ही बल्लेबाज यहाँ से। नवीन सिपी फिर से, क्या होगा क्या, और ये पीछे का शॉट और एक रन आता हुआ भाई केवल। 5 ओवर 42 रन, गुलफरीद अगला ओवर लेके, सामने सिप्पी बंसल और 7 ओवर का खेल बाकी, कितने रन बनेंगे यहाँ से। और ये शॉट शानदार और रन छे करार यहाँ पर, सिप्पी बंसल भी खोलते हुए अपने हाथ। अब अगली गेंद फिर से गुलफरीद की और ये लेग साइड की और रन छे भाई, एक और छे आता हुआ यहाँ पर सिप्पी बंसल के बल्ले से। सिप्पी अब अच्छे बल्लेबाजी करते हुए और भाई 2 छक्के के बाद एक पंजा आ चुका है वाइड का गुलफरीद और ये अच्छी गेंद गुलफरीद की वहां पर अकेले मौजूद और डॉट बॉल आती भी भाई। गुलफरीद भी वापसी करना जानते हैं और ये तेज गति की गेंद यहाँ पर बोल्ड होने से बचे, गैप में जाती हुई और वहां पर आते हुए 2 रन और जुड़ते हुए भाई वाइड और भाई का रन आया था तो फिर से सिपी बंसल स्ट्राइक पे और कड़ी कर दी इस बार कड़ी कर दी। कोई फील्डर अकेले और यहाँ कैच ड्रॉप होता हुआ, उल्टा भागना था उन्हें और केवल मिलेंगे एक रन भाई। गुलफरीद मोगली आमने सामने, क्या होगा, डायरेक्ट बॉल होगा, ऑफ स्टंप पर होगा, वहां शिब्बू मौजूद होगा, उनसे दूर होगा भाई और ये रन 4 होगा भाई। बहुत महंगा ओवर गुलफरीद का साबित होता भाई और भाई पिछली गेंद थी नो बॉल तो ये गेंद रहेगी फ्री हिट और गुलफरीद और सामने मोग ली और शॉट दी वहां पर, फील्डर मौजूद और केवल एक रन आता हुआ भाई। 6 ओवर की समाप्ति पर 69 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 6 ओवर 69 अगला ओवर लेके अंकित टोला और ये अच्छी गेंद पे डंडे खोला यहाँ पर अंकित टोला ने और मोगली फंसा लिया भाई यहाँ पर। मोगली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे पर अंकित टोला ने उनकी शानदार विकेट ले ली भाई यहाँ। रजा मुरादाबाद अब बल्लेबाजी पे आते हुए, बहुत बड़ा नाम, बहुत पुराना खिलाड़ी, बहुत पुराना चावल है, आज देखना होगा कैसी बल्लेबाजी करेंगे इस बड़े मुकाबले में। भाई मैं आपको बता, बड़े बड़े हिट मारने के लिए सेंसिबल क्रिकेट, हर तरीके की क्रिकेट खेलने में सक्षम, आज देखेंगे क्या कारनामा करके दिखाएंगे यहाँ पर। और विकेट के पीछे देव मौजूद, अंकित टोला एक शानदार ऑलराउंडर, सामने रजा मुरादाबादी और ये यहाँ पे शॉट पे आते हुए शिब्बू और एक रन मिलता हुआ केवल। अगली गेंद सिप्पी बंसल के सामने अंकित टोला और देखना होगा, देखना होगा और ये शॉट सामने का वहां पर चन्नू मौजूद और केवल एक रन आता हुआ। अंकित टोला अभी तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए, रजा मुरादाबाद सामने और ये कड़ी और देव के हाथ में पड़ी यार, रजा मुरादाबाद अंकित टोला ने भी तोड़ दिया भाई फिर से, दूसरी सफलता इस ओवर की आती हुई और यहाँ पे रजा मुरादाबाद अब बाहर की दिशा जाती हुई। बॉलर का नाम बता दे मुझे। फिर से अंकित टोला अगली गेंद लेकर 2 विकेट ले चुके हैं इस ओवर में और लेग स्पिन अच्छी गेंद और लीव करते हुए डॉट बॉल। अगली गेंद अंकित टोला की फिर से, रोहित तैयार है क्या, और ये बॉल अंकित टोला ने ओवर हैट्रिक ले ली भाई, तगड़ी गेंदबाजी, अच्छी सफलता रोहित को भी फंसाते हुए भाई यहाँ पे। 7 ओवर 71 रन अगला ओवर लेकिन नवीन हरिद्वार, सिप्पी बंसल अभी भी क्रीज पर मौजूद है, डटे हुए हैं अपनी टीम के लिए और पैर पे लग के कैच पकड़ते हुए, नॉट आउट यहाँ पे। 3 छक्कों पे 500, 4 छक्कों पे 1100 और 6 छक्कों पे 5100। ओए होए 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 ओ ये देखिए जंगल में भाई यहाँ पर सिप्पी बंसल खोलते हुए हाथ अपने।
नवीन ने दो गेंदे करी थी काफी अच्छी इस पे और फिर से मारने की कोशिश। वहां पर फील्डर आते हुए चन्नू और मिलेगा, देखना होगा एक रन भाई। गौरव खत्री लोकल बॉय डोईवाला से बल्लेबाजी पे बड़ी टीम को ज्वाइन करते हुए इस शॉट को जड़ते हुए और यहाँ से शॉट दूर और रन चार आते हुए भाई इस वक्त गौरव खत्री के बल्ले से। अगली गेंद नवीन गौरव आखिरी गेंद ओवर की सामने की शॉट सिमी के और ये कैच ड्रॉप भाई गिर गए थे आगे कैरी नहीं करी उन तक। डॉट बॉल ओवर एक रन ओवर की समाप्त 8/83 चार ओवर का खेल बाकी। अंकित टोला अगला ओवर लेके सामने गौरव खत्री देखना होगा कैसी बल्लेबाजी करेंगे गौरव और ये अंकित गिरे थे और केवल एक रन सिमी के हाथ। पूरन भंडारी द्वारा 4 छक्कों पे 1100 रुपए का इनाम 5 गेंदे हैं बाकी क्या सिप्पी लगा पाएंगे और ये डॉट अंकित टोला कराएंगे यहाँ। अगली गेंद अंकित टोला सिप्पी फिर से आमने सामने और ये लेफ्टर पिक नहीं कर पाए और केवल एक रन आता हुआ भाई। अगली गेंद फिर से अंकित टोला की और ये खड़ी कर दी फील्डर आ रहे हैं फील्डर अकेले दूर रहते हुए और कैच ड्रॉप होता हुआ भाई यहाँ पर 2 रन आते हुए। अंकित टोला ने एक और मौका बनाया था और ये शॉट लेग साइड में गौरव खत्री ने लगाया था अच्छी फील्डर की और 2 रन मिल जाएंगे अब वहाँ पे थोड़े से फंबल के चलते। अगली गेंद फिर से गौरव अंकित और ये पीछे की तरफ जाती हुई पीछे की तरफ देखना होगा फील्डर मौजूद है बज्जी और एक रन आता हुआ केवल 9/91 अगला ओवर लेके शिबू रूड की जो कप्तान है और ये यॉर्कर लेंथ की गेंद है और डॉट बॉल है भाई। अगली गेंद और मार दिया यहाँ पे वहाँ फील्डर मौजूद अंकित टोला और उनसे दूर और केवल एक रन आता हुआ। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं अभी तक कफोट की टीम और शॉट लेग साइड में वहाँ गैप में और रन 4 यहाँ पर सीपी 46 रन बनाकर खेलते हुए अपना इंडिविजुअल स्कोर माफी चाहूंगा 47 रन बनाकर खेल रहे हैं सीपी और अच्छी गेंद फिर से डॉट बॉल आती हुई यहाँ पर। आखिरी गेंद सिप्पू की सामने सीपी और खड़ी कर दी इस बार फंस गए इस बार फील्डर के हाथ में और सिप्पू यहाँ पर सिप्पी की सफलता दिलाते हुए जो सबसे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अपनी टीम के लिए भाई अब जाते हुए पवेलियन और अब बल्लेबाजी करने आते हुए लोकेश चाइना जो काफी देर से डगआउट में अपनी बैटिंग का इंतजार कर रहे थे यहाँ से उन्हें रन गति बढ़ानी होगी बड़े बड़े हिट लगाने होंगे साथ देना होगा गौरव खत्री को उनका 10/95 आखिरी 2 ओवर अंकित टोला अगला ओवर लेके सामने गौरव खत्री और ये खत्री ने करा कट और पीछे का मिल जाएगा 1 रन केवल। लोकेश चाइना आएंगे अब स्ट्राइक पे लोकेश चाइना बहुत चेक करते हुए काफी कुछ डिपेंड करेगा कम से कम 5 से 6 हिट लगाने होंगे इन्हें बचे हुए गेंदों पे अगर मुकाबले में जान डालनी है अपनी टीम के लिए। अंकित टोला लोकेश चाइना आमने सामने लेग स्टंप दिखाते हुए और तकड़ा यॉर्कर डिप में होती हुई है गेंद वहां पर फील्डर मौजूद और केवल खड़ा रहे और रन आउट करा दिया है यहाँ गौरव खत्री को अपने आप बल्लेबाजी करना चाहते हैं लोकेश चाइना। आदित्य मुरादाबाद नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पे आते हुए अंकित टोला और ये शॉट हवा में शॉट वहां पर यश के हाथ में और यहाँ अंकित टोला ने अपना 5वां विकेट लोकेश चाइना के रूप में ले लिया और बहुत तगड़ी सफलता दिलाते हुए सिप्पी मंसूरी बल्लेबाजी पे अंकित टोला के सामने और अच्छी गेंद फिर से और सिंगल लेना चाहते हैं रन आउट का मौका और ये अपील और देखना होगा यहाँ क्या होता है इस गेंद पर और एम्पायर का डिसीजन आना बाकी। आदित्य बल्लेबाजी पे और शॉट सामने का वहां पर मौजूद यश 1 रन आता हुआ केवल। अगली गेंद सिप्पी और नीचे रहती हुई डॉट बॉल आती हुई जिसके साथ ओवर की समाप्ति। अंकित टोला अपने 3 शानदार ओवर करके अपनी टीम को फेवरेट लगा के खत्म करते हुए 11/111 होते हुए और आखिरी ओवर लेके सिमी सरसावा आते हुए और ये शॉट पहली गेंद पे सिप्पू के हाथ में तगड़ा कैच भाई सिप्पू पकड़ते हुए यहाँ पे आदित्य ने शॉट अच्छी लगाई थी और सिप्पू ने शानदार कप्तानी कैच पकड़ते हुए यहाँ विराज आते हुए नए बल्लेबाज आखिरी जोड़ी मैं आखिरी 5 गेंदे आखिरी विकेट विराज लोकल बॉय बल्लेबाजी पे गेंदबाजी पे सिमी सरसावा और ये शॉट लावा चन्नू के हाथ से कैच ड्रॉप हो जावा भाई यहाँ पे इसी गेंद पर मुकाबला फर्स्ट इनिंग का समाप्त हो सकता था। बल्लेबाजी पे सिप्पी मंसूरी कोशिश करते हुए और तेज गति की गेंद और केवल 1 रन आता हुआ भाई लग भाई का सिमी अभी तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए
और ये शॉट पीछे की दिशा में, यहाँ पर विराट जड़ते हुए भाई रन चार, जो काम बड़े बल्लेबाज नहीं कर पाए वो काम अभी विराट करते हुए अपनी टीम। अगली गेंद सिमी सरसावा, विराट लोकल बॉय, और ये लोकल बॉय का शॉट, हवा में गेंद है फील्डर अकील कनियाल से फिर से कैच ड्रॉप होता हुआ इस बार, और दो रन आते हुए भाई। आखिरी गेंद फिर से विराज तैयार हैं, क्या करेंगे इस गेंद पे वार है और मारने की कोशिश, गैप में जाती हुई, क्या दो रन हो पाएंगे, दो रन के लिए फील्डर जाएंगे और दो, और इसी के साथ एक रन आता हुआ और फर्स्ट इनिंग की समाप्ति। सेकंड इनिंग होती हुई स्टार्ट, आदित्य मुरादाबाद पहला ओवर लेके सामने, बज्जी और कट करने की कोशिश, वहां पर फील्डर मौजूद और एक रन चुरा लिया आसानी से। नवीन हरिद्वार जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी करने आते हुए कट लगाते हुए और ये शॉट गैप में ले जाते हुए और एक रन पाते हुए, क्लोज फील्डिंग लिए दो शॉट्स में और ये हल्के हाथों से फिर से बच्ची खेलते हुए दिमाग से लोकल बॉय है और यहाँ पे एक रन अर्जित करते हुए मैच बनाना चाहते हैं यहाँ पर दोनों ही टीम अपनी के लिए, और ये शॉट दिए वहाँ पर रोहित की अच्छी फील्ड और एक रन आता हुआ केवल। मुरादाबाद कीपरिंग पे मौजूद कीप ओवर, ये कट करने की कोशिश, आरटीओ के हाथ में जाती हुई डॉट बॉल आती हुई, आदित्य अभी तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए, भज्जी और नीचे रहती हुई गेंद और थोड़ी सी कीप में मिसफील्ड और एक रन आता हुआ क्योंकि खराब है फील्ड करने के लिए यहाँ पे एरिया, एक ओवर पांच रन, अगला ओवर लेके सिप्पी मंसूरी फ्रॉम बुलंदशहर, रजा मुरादाबाद फील्ड सेट करते हुए और भज्जी बल्लेबाजी पे, यहाँ पे बड़ा मौका है बड़े टीम के आगे परफॉर्म करने का, देखना होगा कैसी गेंदबाजी और बल्लेबाजी होती है इस ओवर में, और ये पीछे की दिशा में जाती हुई गेंद और अच्छी फील्ड सिप्पी की, सिप्पी बंसल की एक रन आता है, गेंद फिर से सिप्पी मंसूरी की और ये शॉट खड़ी कर दी वहां फील्डर विराज, कैच ड्रॉप हो गया भाई उनसे, और अगली गेंद सिप्पी की छोटी गेंद और अच्छा शॉट फील्डर के ऊपर से, रन छे भाई यहाँ पर बज्जी के बल्ले से आते हुए, मैं भी चाहूंगा चार रन करें यहाँ पे, चार रन आते हुए विराज के पास मौका था कैच पकड़ने का, बज्जी अभी तक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, देखना होगा यहाँ से और ये मारने की कोशिश और एक रन आता हुआ केवल। नवीन फिर से स्ट्राइक पे, सिप्पी मंसूरी और अच्छी गेंद और कट करने की कोशिश, अच्छी फील्ड विराज की, रन आउट का मौका और ये मौका मिस होता हुआ भाई यहाँ पे, एक रन चुराते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दो ओवर 14 रन होते हुए, आदित्य अगला ओवर लेके आते हुए, कीपर चेंज और ये शॉट वहाँ पे, राजा मुरादाबाद फील्डर मौजूद और केवल एक रन आता हुआ भाई। अगली गेंद फिर से आदित्य जी की गेंदबाजी, लेग कटर मारा फिर से गैप में जाती हुई ये गेंद, गोलू गाजियाबाद वहाँ मौजूद और एक रन आता हुआ, अगली गेंद फिर से और ये शॉट तगड़ा शॉट, रन चे लॉन्ग ऑफ पे बज्जी के बल्ले से आता हुआ, अगली गेंद बज्जी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और मारने की कोशिश लेग साइड में, वहां पर फील्डर मौजूद और क्या दो रन आएंगे और केवल एक रन मिलता हुआ यहां पे, आदित्य बज्जी फिर से एक बार आमने सामने मारने की कोशिश और डॉट बॉल, इसी के साथ ओवर की समाप्ति, तीन ओवर 24 रन, अगला ओवर लेकिन लोगों चाइना सामने नवीन और ये मारने की कोशिश, पहली गेंद पर वहां पर गोलू गाजियाबाद मौजूद, एक रन आता हुआ और बज्जी स्ट्राइक पे और हेलीकॉप्टर उड़ाया और सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया, रन छे लगाया यहाँ पर बच्ची ने, लोकल बॉय समय भारी पड़ता हुआ सभी बाहरी खिलाड़ियों पर। अगली गेंद लोकेश बज्जी फिर से और ये तगड़ा शॉट और सीमा रेखा के बाहर, जंगल में प्रहार और बड़े मुकाबले में बज्जी डोईवाला से बनता हुआ सुपरस्टार, कुछ भी अभी तक नरेंद्र नगर के पक्ष में नहीं जाता हुआ और ये मौका बन सकता था पर गैप में गेंद सिप्पी मौजूद, एक रन आता हुआ। अगली गेंद लोकेश चाइना, नवीन हरिद्वार आमने सामने, कटर गेंद को मारा वहां पर रजा मुरादाबाद मौजूद, उनके हाथ में पहुंचा डाला भाई, हैट्रिक पे रखा है 1100 का इनाम और ये अच्छी गेंद लोकेश चाइना की, यॉर्क लैंड की बोल्ड होने से बचे इस गेंद पे, भज्जी ओवर की समाप्ति, सिप्पी मंसूरी अगला ओवर लेके फिर से शॉट 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 अद्भुत देखे यहाँ पे, नवीन भी अब अपने हाथ खोलते हुए और अपनी टीम को जल्दी जीत दिलाने की कोशिश करते हुए। अगली गेंद फिर से एक बार और कटर बॉल फिर से सीमा रेखा के पार, नवीन करते हुए बढ़िया बढ़िया प्रहार यहाँ पर, सिप्पी मंसूरी नवीन हरिद्वार और ये खड़ी कर दी वहां पर आरटीओ आ रहे हैं और कैच पकड़ रहे हैं यहाँ पे, पहली सफलता लगती हुई हाथ, आदित्य आते हुए नए बल्लेबाज सामने
और अच्छी गेंद पीछे की दिशा में जाती हुई लेग भाई के एक रन आते हुए अगला ओवर लेके यहाँ और गेंदबाज पीछे की तरफ शॉट जाती हुई एक रन मिलता हुआ यहाँ पे मोगली बुलंदशहर से अगला ओवर लेके और तेज गति की गेंद तेज गेंद और एक रन आता हुआ यहाँ पे केवल भाई के रूप में मोगली लेग भाई का पिछला एक रन आया था और तेज गति की गेंदों पे प्रहार और आदित्य के हाथ में जाती हुई है शॉट और मोगली दूसरी सफलता आदित्य के रूप में दिलाते हुए भाई यहाँ पे क्या मुकाबले में अभी भी कुछ ना कुछ बना है क्योंकि 5 ओवर 55 रन स्कोर था। यश फ्रॉम देहरादून बल्लेबाजी करने आते हैं एक शानदार खिलाड़ी और अच्छी गेंद डिफेंसिव मोड में खेला डॉट बॉल आती हुई यहाँ पर यश के बल्ले मोगली एक शानदार गेंदबाज करते हुए ऑलराउंड प्रदर्शन कटर बॉल पे शॉट जाती हुई यहाँ मौका बना था दूर रह गए आडियो और एक रन आता 6 ओवर 58 रन आदित्य अपने कोटे का तीसरा ओवर लेके और शॉट जस्ट देखे भाई क्या फंस गए क्या यहाँ कैच ड्रॉप रन 4 अगर ऐसे ही छोड़ेंगे फील्डर कैच तो यश करेंगे बड़े बड़े प्रहार अगली गेंद फिर से और मारने की कोशिश यश की कनेक्ट नहीं हुई सही से वहां पर रजा मुरादाबाद मौजूद एक रन आता हुआ भज्जी अभी भी क्रीज पर मौजूद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं नो बॉल कर रहे हैं यहाँ पे आदित्य है और ये जा रही है सिप्पी मंसूरी आ रहे हैं और 2 रन मिलते हुए इसी के साथ अगली गेंद रहेगी फ्रीड आदित्य मुरादाबाद भज्जी रोहीवाला फ्रीड गेंद और रोहीवाला वाले भज्जी ने गजब कर डाला रन 6 लगा डाला और अपने एंड में खुशियां देखिए किस तरीके से यहाँ पे मनाते हुए उनके टीम के सभी खिलाड़ी यहाँ से मैच बचाना बहुत मुश्किल और ये रन 4 एक और 4 बची बनता हुआ सेमीफाइनल मुकाबले में सुपरस्टार बहुत पीछे रह गई है यहाँ से बड़ी टीमें और चोटी बना दी यार खोटी सीधा यहाँ पर स्टेज में जाती हुई है गेंद और रन 6 भाई यहाँ पर एक तरफा होता हुआ मुकाबला 30 गेंदे 29 रनों की जरूरत और मोगली बुलंदशहर अगला ओवर लेके और यस यस बन बना बन 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 देखे भाई सामने सीधा स्टैंड पर धुआंधार बल्लेबाज यस एक शानदार उभरता हुआ देहरादून का राइजिंग स्टार खिलाड़ी जो बड़े बड़े मुकाबले में बड़े बड़े खिलाड़ियों को टक्कर दे रहा है भाई और ये बहुत जल्द मुकाबला समाप्त होने वाला है और फाइनल मुकाबले में उत्तराखंड की दोनों टीमें खेलेगी जिसमें यूपी पंजाब हरियाणा के बहुत सारे खिलाड़ी आए थे पार्टिसिपेट करने और ये वाओ सीधा अपने स्टैंड में चढ़ने यश के बल्ले से एक और दे देना दन दो निकलते हुए 2 छक्के आ चुके हैं 2 और लगते हैं तो इनामी राशि 1100 और ये शो चलता हुआ यहाँ पर यस शो एक और 4 धुआंधार यस बनता हुआ शानदार सुपरस्टार अगली गेंद फिर से इस बार खड़ी हो गई है इस बार लोकेश चाइना के हाथ में पड़ी हो गई है भाई यस अच्छी बल्लेबाजी करके अब पवेलियन जाते हुए अपनी टीम को बहुत सेफ पहुंचाते हुए बल्लेबाजी पे एक असला आता हुआ सिमी सरसावा देखना होगा कैसी बल्लेबाजी करेगा यहां से सामने मोगली और ये सिमी सरसावा ने अपने स्टैंड में खोली पहली गेंद पे 6 से शुरुआत ये है इनकी शानदार बात यहाँ पे तगड़ा बल्लेबाज तगड़ा ऑलराउंडर सिमी सरसावा भाई शायद आखिरी बाउंड्री 7 रनों की जरूरत और हेलीकॉप्टर मारने की कोशिश गैप में जाती हुई वहाँ फील्डर मौजूद और एक रन आता हुआ भाई आखिरी हिट का इंतजार सिमी और ये खड़ी कर दी लोकेश चाइना से दूर और केवल एक रन आता हुआ भज्जी की अच्छी बल्लेबाजी शुरू से डटे रहे लास्ट तक और विनिंग हिट क्या इनके बल्ले से देखने को मिलेगा विनिंग हिट की बारी और 6 रन की भज्जी की तैयारी और फाइनल में प्रवेश करती हुई यहाँ पे फकोट उत्तराखंड की टीम भाई और शानदार समाप्त होता हुआ बड़े बड़े मुकाबलों में बड़े बड़े खिलाड़ी पूरे उत्तराखंड यूपी हरियाणा दिल्ली गाजियाबाद बुलंदशहर जैसे एरियाओं से बहुत दूर दूर से मुरादाबाद से रजा मुरादाबाद आए और यहां पर फाइनल में देहरादून वर्सेस देहरादून मिक्स उत्तराखंड की टीम आपस में करेगी शानदार प्रदर्शन लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब